हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या वास्तु को बुक्स को पढ़ के सीख सकते हैं क्या, और बुक्स पढ़ के हम एक वास्तु एक्सपर्ट बन सकते हैं? तो आज की ये जो वीडियो है और ये जो टॉक है, इसी के ऊपर है कि क्या वास्तु जो है हम बुक्स की हेल्प से हम सीख सकते हैं, और किस लेवल तक सीख सकते हैं, और वास्तु में क्या क्या चीजें होती है जिनका कि हमें स्टडी करना पड़ता है। उन चीजों को स्टडी करने के बाद ही जो है एक अच्छे वास्तु शास्त्री या फिर एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट जो है आपको कहा जा सकता है। तो उन सब चीजों के बारे में जो हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जो इतनी भी वास्तु की बुक्स है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपकी नॉलेज के लिए बिल्कुल वो आपके लिए जो आपकी नॉलेज है उसको वो इम्प्रूव करेंगी। लेकिन दोस्तों, एक लेवल तक, क्योंकि वास्तु जो है वो इतना शैलो सब्जेक्ट नहीं है कि आप उसको बुक्स की हेल्प से या फिर आप गूगल पे सर्फिंग करके जो है वास्तु को सीख सकते हो और एक वास्तु एक्सपर्ट बन सकते हैं, वास्तु कंसल्ट बन सकते हैं। वास्तु इतना छोटा सब्जेक्ट नहीं है। अब दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करी जाए, अगर एक डॉक्टर है और अब ये प्रश्न पूछा जाए, ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं एक डॉक्टर्स की बुक को पढ़कर या फिर आपको जो भी बुक्स मिलती हैं या फिर गूगल सर्फिंग करके, तो उसका जो आंसर है वो कहोगा पे पागल हो गया, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि वो सब चीजें आप पहले तो सीखते हैं, 4-5 साल लगाते हैं उन सब चीजों के बारे में, और एक अच्छे डॉक्टर्स के बीच में रह के सारे उसके बेसिक प्रिंसिपल किस तरीके से सारी चीजें काम करती है वो सारी चीजें सीखते हैं। फिर उसके बाद 4-5 साल आप एक अच्छे डॉक्टर के साथ प्रैक्टिस करते हैं कि फील्ड पे वो किस तरीके से चीजें काम करती हैं। फिर वो जब सारी चीजें आप कर लेते हैं, आपका 8-10 सालों का एक्सपीरियंस हो जाता है जिसमें आप प्रैक्टिकल और थ्योरी उन दोनों पे ही काम कर लेते हैं, फिर जो है आप एक डॉक्टर की राह पे बढ़ सकते हैं। आप फिर जो है इतने काबिल बनते हैं कि खुद चीजों को हैंडल करते हैं, और उसके बाद भी आप ऑफिस खोल के बैठते हैं, उस टाइम पे भी कुछ कुछ केसेस ऐसे आते हैं जो कि आपको लगता है कि ये मेरे सर के ऊपर से जा रहे हैं, तो उस केस में आपको जो है फिर अपने सीनियर्स की हेल्प लेनी पड़ती है या फिर उन सब चीजों को आपके लिए। कई बार क्या होता है कि चीजों को करते करते भी जो एक कोई एक ऐसा केस आता है कि आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस होता है। तो सिमिलर वास्तु है, वास्तु एक प्रॉपर एक हम समझते हैं कि बुक्स से पढ़ के हम आ जाएगा, लेकिन वास्तु अपने आप में एक डिग्री है, इसकी डिग्रियां होती हैं। तो ये इतना जो है वो हल्का सब्जेक्ट नहीं है कि आप इसे इतना इजिली सीख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि वास्तु जब हम करते हैं तो हम किन किन चीजों के ऊपर जो काम करते हैं और किन किन चीजों को हम सीखते हैं, तो उन सब चीजों के बारे में जो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जो वास्तु में जो है आप एनर्जीज को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है उसकी साइंस के ऊपर आप स्टडी करते हैं। फिर उसी के साथ साथ ही आप इसमें वास्तु पुरुष मंडला का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, और किस तरीके से जो आपकी लैंड होती है उस पर 45 जो है देवी देवता होते हैं वो, और वो जो देवी देवता हैं उनके सारे एट्रीब्यूट किस तरीके से वो काम करते हैं, उनके क्या क्या प्लस और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट होते हैं, उनको किस तरीके से। हालांकि जो 45 देवता वाला कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसको जो है वो बहुत ही सेंसिटिव जिसे कहा जाता है, और इन सब देवी देवताओं के साथ अगर आप छेड़ाखानी कर रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी जो है आप इस काम को करिए, वरना इसके बहुत ही उल्टे पंगे पड़ जाते हैं। फिर इसी के साथ साथ आपको जो नॉर्मल आपको ड्राइंग को रीड करने आना चाहिए, उसमें किस तरीके से एंगल का फंडा होता है, एंगल्स किस तरीके से निकालते हैं, वो सारी चीजें आनी चाहिए। फिर एनर्जी फील्ड्स का आपको जो है आपको आइडिया होना चाहिए, आपको एनर्जी फील्ड्स के बारे में जो है सारी चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए, और इसी के साथ साथ ही आपके जो एनर्जी पॉइंट्स हो गए उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर इसी के साथ साथ ही अर्थ के जितने भी एनर्जी पॉइंट्स हैं उसके बारे में आपको जो है अच्छे से डिटेल्स पता होनी चाहिए, और इसी के साथ साथ ही आपके पंच तत्व जो होते हैं पंच तत्वास के बारे में पता होना चाहिए, आपके जो बॉडी के 7 चक्रात होते हैं उसके कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपकी बॉडी के कितने कोश होते हैं जो पंच कोश होते हैं उसके बारे में आपको डिटेल्स में पता होना चाहिए, और इसी के साथ साथ ही आप अच्छे मेडिटेशन भी आप करने चाहिए। जब आप एडवांस वास्तु को सीखते हैं तो आपका जो बॉडी का जो लेवल है वो मेडिटेशन के थ्रू ही जो है उस चीज को जो है वो अडेप्ट करने के लिए बन पाता है। इस चीज के लिए मैं आपको बताऊं कि जो डॉक्टर खुशदीप बंसल जी हैं जो कि वास्तु के काफी अच्छे वक्ता हैं और काफी अच्छे वास्तु शास्त्री हैं, और काफी सारे लोगों को उन्होंने ट्रेन करा, उनका वास्तु का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग है, और वो जब उनके भी बेसिकली कोर्सेज के लेवल्स हैं और जो भी बंदा उनके एडवांस लेवल को करता है तो एडवांस लेवल को करने से पहले उनकी प्रोसेस है जिसमें पहले वो मेडिटेशन करवाते हैं, उसके बाद जो है वो एडवांस लेवल तक सीखने के लिए उस लायक है, तो उसके बाद जो है वो उसको वो जो एडवांस लेवल है जिसमें ये जो सारी चीजें बताई उन सब चीजों को सिखाने से पहले उनको मेडिटेशन करवाते हैं। तो
ऐसा नहीं है कि नॉर्मल कोई भी बंदा वास्तु को सीख सकता है, अपने आप में बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। हालांकि इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो वास्तु के एक्सपर्ट बन चुके, तो वास्तु एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कभी भी आप पूरी तरीके से एक्सपर्ट नहीं बन सकते, बस आप चीज़ों को सीख सकते हैं और लाइफ टाइम सीख ही सकते हैं। और ये एज अ जैसे इंजीनियर और डॉक्टरी का पढ़ाई हो गया, इसी तरीके से इनफैक्ट मैं तो कहूँगा इससे भी बड़ा सब्जेक्ट है ये। और जितने भी लोग कहते हैं कि वास्तु एक मिथ है और इसको बिल्कुल ही जो है नजरअंदाज करते हुए बिल्डिंग बनाते हैं, तो मैंने देखा है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही गलत कर रहे हैं। क्योंकि जिस सब्जेक्ट के बारे में, जिस सब्जेक्ट की जो नॉलेज है, उसके जो रूल्स हैं, उसको जो पुराने पुराने जितनी पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई, पुराने मंदिर बने हुए, उनमें वो सारी चीजें अप्लाई होती हुई आपको दिखती हैं, उनका जो प्रूफ है वो आपको जितने भी पुराने प्राचीन ग्रंथ है उनके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, तो उस चीज को हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, ये कह सकते हैं कि इस चीज का यूज करते हुए लोग डरा करके पैसे वसूलते हैं, वो सारी चीजें करते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि वास्तु अंधविश्वास है, तो वो कहना जो है वो अपने आप में बहुत ही गलत होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो उसको लाइक कर सकते हैं, और आपको कोई भी क्वेश्चन है टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।